देश के मौसम में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए क्या कहता है मौसम विभाग। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्कार इंडिया न्यूज में, मैं हूँ आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। तो क्या अपडेट है चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप एमपी सहित देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट। दोस्तों देश में बीती रात अचानक मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, ठंड बढ़ा रही है। अगले 24 घंटों तक पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। अब उत्तर भारत के मैदानी शहरों को लोग अगले 2-3 दिन कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहें, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। आईएमडी विभाग ने सोमवार को कहा है कि उत्तर भारत के अगले 2-3 दिनों में रात के तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। 3-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा तापमान। भारत के मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड से लेकर गंभीर मौसम की स्थिति पंजाब पर भी बनी हुई है, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ठंड के दिनों की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आईएमडी ने पिछले महीने दिसंबर फरवरी के लिए जारी किए गए अपने सर्दियों के पूर्वानुमान में पहले ही उत्तर भारत में इस सर्दी के मौसम में सामान्य तापमान में नीचे की भविष्यवाणी की थी। इन जगहों पर बारिश की संभावना है। इसमें कहा गया है कि अगले 2-3 दिनों दौरान मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावनाएं नहीं है। इसके बाद तापमान 204 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं आईएमडी ने कहा है कि तेज लहर के चलते तमिलनाडु और पांडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप क्षेत्र में 16-18 दिसंबर के बीच बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। दिल्ली में बर्फीली हवाओं बढ़ाएंगी ठंड। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को मौसम सर्द रहा और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही ठंडी हवाएं चलने से लोगों को सर्दी का एहसास होता रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम रहते हुए 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस महीने में सबसे कम है। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिमी हिमालय में मैदानी इलाकों की ओर ठंडी हवाओं के चलते रहने के कारण देश में ठंड बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है। तो वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सकें लेटेस्ट अपडेट को, बढ़ सकें एमपी सहित देश की सभी कैटेगरी खबरों से।